गुड मॉर्निंग गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं अभी पपाया विलेज। जब अपनी प्रिपरेशन करते थे इंटरव्यू के टाइम पे तो पपाया विलेज का बड़ा नाम सुना था कि कोई पपाया विलेज है वहाँ पे, और आज उसको देखने जा रहे हैं। मतलब लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस, कहाँ हम उस चीज़ को पढ़ते थे और कहाँ हम उस चीज़ को देखने जा रहे हैं। और मेरे साथ एक निशार और एक मनीष। निशार को आप जानते हो, मनीष को आप नहीं जानते। मनीष के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, इनकी अलग स्टोरी है। सबकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मनीष की स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि लॉकडाउन में जब ये आया था तो इसने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी है यहाँ पे जो शायद आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो वो स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूंगा, बट अभी मैं जा रहा हूँ पपाया विलेज में देखने कि कैसा है पपाया विलेज अपना, क्योंकि बहुत नाम सुना है पपाया विलेज का यहाँ पे कि बहुत फेमस है और आप लोगों को कभी विजिट करना एक बार ज़रूर बनता है वहाँ पे। तो ठीक है, चलते हैं अभी पपाया विलेज में। ये है अपना सेमेंट्री जू, और देखो एक रूल दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का। जब भी आप किसी रोड क्रॉस को करते हो, देखो अभी ग्रीन लाइट है, अभी वहाँ पर एक बटन प्रेस करेगा मनीष, और यहाँ पर भी रेड लाइट है हमारे लिए, लेकिन 10 सेकंड बाद ये अपने आप देखो हो गई ग्रीन। अब हम लोग क्रॉस कर सकते हैं रोड को, कोई भी गाड़ी आप लोगों को क्रॉस नहीं करेगी। रोड सेफ्टी के मामले में माल्टा बहुत सही है, क्योंकि अभी मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि आपको अगर रोड क्रॉस करना है तो या तो आप किसी जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ से क्रॉस करोगे, या फिर आप लोगों को माल्टा में हर जगह ऐसी लाइटें मिलेंगी। अगर कोई मेन रोड है मेनली उस पर मिलती हैं, बाकी छोटी मोटी जगह पर आप लोगों को सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रूल नहीं फॉलो कर रहे हो तो दिक्कत फिर आपको ही आएगी। तो अभी चलो चलते हैं पपाया विलेज में अपने। What happened? The one of the car hit the... All right. And she's a doctor? Huh? She's a doctor? अभी हम पहुंचे हैं सकरजादा पे, इसके बाद से आई थिंक 2 किलोमीटर का रास्ता और है, उसके लिए बस चेंज करनी पड़ेगी। पीछे जो स्टेशन है वहाँ जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पसंद आएगा सकरजादा भी, क्योंकि बीच है यहाँ पर, तो लोग नहा रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्रॉस करके एक बार इसको कि कैसा सीन है। और ये पूरा सीन है सकरजादा का, लोग हैं बीच पे नहा रहे हैं, कुछ मज़े कर रहे हैं लोग। बाकी वहाँ जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को पास से थोड़ा। तो जी ये है अपना बीच माल्टा में, सकरजादा में है अभी ये हम लोग, और यहाँ का ये सीन है। उस साइड सारी बोट जो फेरीज वगैरह हैं सब वहाँ खड़ी हैं सारी, और यहाँ लोग नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। और माल्टा का मौसम अभी चेंज हो गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर भी,
अगर कोई आ रहा है इस टाइम माल्टा में तो भाई अपना सर्दी वाला सामान पूरा लेकर आए, क्योंकि अभी रात को मुझे भी खांसी की थोड़ी शिकायत थी, लग रहा था कि जैसे बुखार होगा, बट हुआ नहीं, चलो वो अच्छी बात है। बट अभी जो लोग आ रहे हो माल्टा में, अपना सर्दियों का सामान पूरा लेकर आएँ, जैकेट वगैरह, क्योंकि वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग गर्मियों में आओ या सिर्फ सर्दियों में आओ, हवा यहाँ कंटिन्यूसली चलती रहती है और ठंडी हवा चलती है, यानी कि गर्म हवा जैसे हमारे इंडिया में जो लू लगती थी वो नहीं है, बट हाँ हवा चलती है, ठंडी वाली हवा चलती है। और अभी सर्दी का मौसम है तो इसमें कुछ ज़्यादा ही ठंड मिलेगी। लो जी, आधा घंटा वेट करने के बाद अब बोल रहे हैं कि हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि बस नहीं आ रही। पिछले आधे घंटे से वेट करके फ़ायदा नहीं था, 2 किलोमीटर का रास्ता है, कवर कर लेंगे, तो अभी सिर्फ पैदल जाएंगे। और व्यू है सारा माल्टा का, इस साइड खेत भी है इनके, देखो इनके खेत नहीं है ये वाला, देखो माल्टा में बहुत सारे खेत भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि माल्टा में खेत नहीं है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि माल्टा के खेत कैसे दिखते हैं। और बदल भी आ चुके हैं, बारिश का पूरा मौसम है। बाकी चलो 2 किलोमीटर है, देखते हैं, कवर करते हैं 2 किलोमीटर को, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा पोपाय विलेज हमारा दिखता है। और वो जा रहे हैं निसार और मनीष भाई, दोनों जा रहे हैं मेरे से आगे निकल गए बहुत ज़्यादा। और ये भाई माल्टा के खेत हैं, देख लो एक बार, ऐसे माल्टा के आप लोगों को हर जगह दिखेंगे ऐसे खेत। देखो इन्होंने कैसे बना रखे हैं, शेल वगैरह बना रखे हैं ये, यस सेल वगैरह बनाते हैं लोग, इसी में खेती कर। अरे भाई मेरे लिए वेट करो, और देखो फूल भी लगा रखे हैं इन्होंने, गेंदे के फूल हैं। लो जी, आ गए हम लोग पपाया विलेज पे, और ये है आपका पपाया विलेज। वाओ, वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कैसा व्यू आता है पपाया विलेज का। बाकी ये छोटा सा है बट यहाँ बहुत फेमस है, और आप लोगों ने जब कभी आपने माल्टा के बारे में पढ़ा होगा तो फेमस आपने पपाया विलेज जरूर पढ़ा होगा, और वही है ये पपाया विलेज। I will do like that. Follow my finger. लो जी, ये था आपका पपाया विलेज का व्यू। बाकी उस साइड चलता हूँ मैं, वहाँ भी देखता हूँ अलग से कोई व्यू आता है तो, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राई करेंगे। ये है आपका पपाया विलेज, ऊपर से व्यू मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, देखते हैं कुछ खाने पीने का अगर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया। लेट आने का नतीजा रेस्टोरेंट बंद हो गया, किचन इन्होंने बंद कर दिया, रेस्टोरेंट नहीं बंद हुआ अभी, किचन ये लोग बंद कर चुके हैं। और खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है, अगर आपको कुछ लेना है कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो वो ले सकते हो, तो वैसे ही गला ख़राब है तो
कोल्ड ड्रिंक तो क्या ही पियेंगे। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी जाके कि पोपाया विलेज अंदर से कैसा दिखता है। अभी मैंने सिर्फ आपको बाहर से दिखाया था कि कैसा है, अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा जाकर मैं। ये पूरा पोपाया विलेज है आपका, और पोपाया विलेज पुराने टाइम में जो विलेज होते थे, आप लोगों को शायद आपने वेब सीरीज़ वगैरह में देखे होंगे जो उनमें विलेज दिखाते थे, ये उसी का एग्जांपल है। बाकी अंदर जाने की टिकट लगती है 3 यूरो, वो तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी ये 5 बजे के बाद बंद हो गया, तो 5 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं है। बाकी आप लोग आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो यहाँ पर, वो देखने का बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बाकी मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ का पाथ उस साइड से है, और वहाँ से जाके देखता हूँ कि कैसा सीन दिखता है। और ये भाई संजय जाट जी का फ़ोटोशूट, ये है संजय जाट हमारा, और इसका चल रहा है फ़ोटोशूट यहाँ पे। साइट रेस्क्यूएशन है, कौन सी वाली आया है वो सा साइट रेगुलेशंस, साइन लगा रखे हैं उन्होंने बोर्ड पर, वो बात अलग है, कोई मानता नहीं होगा, बट फिर भी चलो ठीक है, देखने में तो सही है। बाकी ये पूरा पाथ है, यहाँ से वहाँ जाना है हमें, और यहाँ से रास्ता जाएगा। लो जी, ये है व्यू पोपाया विलेज का। अभी तक तो ऊपर से देख रहे थे आप लोग, अब नीचे से देखो। लो जी, संजय जाट जी मैं फिसल नहीं बैठे, मैं फिसल गया ना तेरी आस्ते ऐसी कर दूंगा मैं। वो बीच, ओ व्यू देखो भाई, वहाँ से हम लोग आए थे इस साइड में, और ये देखो पानी पूरा साफ दिखता है एकदम से, बट है खारा सारा। यहाँ नहीं जा सकते अब, और इस साइड शायद कोई गुफा बनी हुई है, देखो पत्थर से होल हो गया, होल होने के बाद वहाँ गुफा बनी है और वहाँ पानी भरा हुआ है अभी। बाकी अगर ड्रोन होता यहाँ पे तो ड्रोन से ज़्यादा अच्छा व्यू आता और भी, बट चलो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा है अभी उसी से काम चला सकते हैं हम लोग।
हाँ मैंने पैसे ही दिखा था, मेरा लगेगा सही बात में। लो जी इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया पपाया विलेज के बारे में, कैसा पपाया विलेज है, और जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं या घूमना फिरना चाहते हैं एक बार पपाया विलेज ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पर। बाकी मैंने आप लोगों को दिखा दिया पूरा विंटेज जो गांव होते थे वो वैसे उस टाइप का ये विलेज है, और रेस्टोरेंट वगैरह भी है, कुछ खाना पीना हुआ वो भी आप खा सकते हो। घूमने फिरने के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। बाकी आना हो अगर आपको तो 5 बजे से पहले पहले आएँ, क्योंकि 5 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं और विलेज भी बंद हो जाता है, एंट्री नहीं मिलती। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कर दें चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।